ऐसे ही बैठी बैठी कुछ लिखने का मन किया, तो अभी अभी कुछ लिखा है। ऐसा है कि एक रोज़ आसमान में तारों को ताकते ताकते लगा यूं कि कैसे ज़िंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। वही ज़िंदगी जो बचपन में अपने इन्हीं नन्हे हाथों से तारों को गिना करती थी, उनकी गिनती किया करती थी। आज इन्हीं हाथों को देखती हूँ तो ज़िंदगी रेत की तरह फिसलती नज़र आती है। सोचती तो बहुत हूँ कि किसी तरह रोक लूँ इस गुजरते वक्त को, लेकिन समय की घड़ी हमेशा फिसलती ही दिखाई देती है। बचपन में माँ की चप्पल पहनकर सोचती थी कि इतनी बड़ी कब बनूंगी। हाथ में उनकी चूड़ियाँ पहनकर नाचती थी कि ये मेरी कब होंगी। उनकी साड़ी को सिर पर ओढ़कर शीशे में खुद को देखकर इतराया करती थी। लाल रंग की माँ की लाली को लगाकर उन्हें दिखाया करती थी। उनके कपड़ों में खुद को समाने की मशक्कत हमेशा लगी रहती थी। उनके जिम्मेदारियों को पाने की कोशिश हमेशा रहती थी। क्या पता था कि उनकी उस चप्पल का नाप मेरी ज़िंदगी के सोचने का पहलू बदलने वाला है। मुझे खुद का लड़कपन छूटता दिखाई देता है। आने वाला वो कल इतना जल्दी आ जाएगा, उसका अंदाज़ा होता दिखाई देता है। लेकिन मैं आज भी मेरी माँ के आंचल में सोना चाहती हूँ। आज भी दादा दादी की कहानियों में खोना चाहती हूँ। आज भी मन करता है उनसे ढेरों बातें करने का। आज भी उन्हें अपने आप को लाड़ लड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। ये वक्त ही तो है जिसने मुझे उनसे दूर कर दिया है। ये वक्त ही है ना जिसने मुझे उनसे छीन लिया है। जैसी कहानियाँ सुनाई देती थी वैसे दिखाई क्यों नहीं देती? जैसी जिम्मेदारियाँ दिखाई देती थी वैसे महसूस क्यों नहीं होती? जैसे जीना इतना आसान लगता था बचपन में वैसा अब क्यों नहीं है? जैसे मौका मिला करता था खेलने का वैसा खेल अब क्यों नहीं है? क्यों लोग जिंदगियों से इतनी आसानी से खेल जाते हैं? क्यों लोग किसी अपने को यूं ही छोड़ जाते हैं? ये वक्त ही है ना जिसने सब बदल दिया है। ये हम नहीं हैं, ये दुनिया है जिसने हमें कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीन लिया है। कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीन लिया है।